दिल्ली की उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने अपने प्रतिद्वंदी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को डिबेट की चुनौती दी है। कन्हैया कुमार ने इसके लिए समय, तारीख और स्थान पर मुकर्रर कर दिया है। हालांकि अभी मनोज तिवारी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया, मनोज भैया आधिकारिक प्रचार के लगभग केवल 24 घंटे बचे हैं, कब तक लोगों को इधर उधर भटकाइएगा, आइए एक बार तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के असली मुद्दों पर चर्चा उन्हीं के सामने कर ली जाए। कल आ जाइए गोकलपुरी वार्ड 3 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मंगल बाजार रोड पर, और हाँ थोड़ा समय से निकलिएगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है क्षेत्र में। बता दें कि पिछले दिनों कन्हैया कुमार पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया था। एक व्यक्ति माला पहनाने के बहाने उनके नजदीक आया और उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि हमला करने वाले को मनोज तिवारी का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने यहां तक कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग मनोज तिवारी को स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने हमला करवाया। इसको लेकर मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी और मनोज तिवारी समर्थित लोगों ने मुझ पर हमला किया। बीजेपी देश में तानाशाही थोपना चाहती है। कन्हैया ने कहा कि लोकतंत्र में विचारधाराओं की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन विचार का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाता। वहीं मनोज तिवारी ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कन्हैया कुमार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।